अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? शाम का दिन, शाम का आगाज़ हो चुका है, दिन हो चुका है और इस वक्त मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, मटर पुलाव। क्योंकि गैस होती नहीं है और बहुत इशू होता है, तो ये स्लो स्लो जो सा है ना, ये पक ही जाएगा मेरा खाना। क्योंकि चावलों में ज़्यादा पता, फिर मैं पानी कम डालूँगी और यहाँ पर जो सी ना गैस बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है और मुझे ना टेंशन होती है जहनी कि खाना पकाने में बहुत मुश्किल होती है। मैं फिर अम्मी की तरफ जाती हूँ, कभी यहाँ आती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ। और यहाँ पे प्याज ब्राउन वगैरह, साथ ही मैंने साबुत गर्म मसाला ऐड कर दिया और मटर ऐड करके मैं इनकी हल्की सी भुनाई करूँगी। मैं ज़हनी तौर पे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस वक्त हो चुकी हूँ कि अम्मी की तरफ से यहाँ और यहाँ से अम्मी के जाओ, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ और रात का खाना बनाओ, बस यही चलता रहता है। तो इसमें हसब ज़ायका नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दिया पिसा हुआ, तो खुशबू के लिए। मैं खुशबू के लिए पिसा हुआ गर्म मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करती, क्योंकि इससे ना जो है जलन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो सा है ना टमाटर जो सा मैंने थोड़े से फ्राई करने, और यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा उबाल दूँगी और इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। और मैं इतनी परेशान थी ना कि पानी भी नहीं था घर के अंदर कि मैं कुछ काम कर लेती, और बर्तन मेरे वैसे ही पड़े हुए थे। और यहाँ पे मैंने चावल अच्छी तरह से धो लिए हैं। खुरम ना इतने लेकर आए थे कि मेरा आज तलक का, यानी कि कल तलक का गुजारा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो उनसे नानों की तरफ होंगे और मैं और खाला और खालू होंगे घर पर। मोहम्मद समीर भी सुबह को अम्मी के पास चला जाता है, क्योंकि ना उसको आदत डाल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी के पास रहे, क्योंकि अभी आगे जाके खाला का ऑपरेशन होना है। तो मैं ज़्यादा नहीं उसको संभाल सकती हॉस्पिटल में, क्योंकि खाला का ऑपरेशन होता है तो मुझे कभी बाहर ही जाना होता है, कभी कभी कुछ करना होता है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा ना थक जाती हूँ कि उसको भी लेकर साथ चलना पड़ता है, और वो स्लो स्लो चलता है, स्लो स्लो चलता है ऐसे कछुए की चाल। तो इसलिए अम्मी के पास आदत डाल रही हूँ ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो अम्मी के पास रहे, मेरे साथ ना जाए। चलो खुर्रम आते जाते उसको मिलते रहेंगे, बच्चे होंगे तो इस तरह से उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मम्मा घर पर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तीन दफ़ा चावल धो लिए अच्छी तरह से, और मुझे लग रहा था कि मेरी पाइप ना बेसन सिंक की जो सी है वो ख़राब हो चुकी है, मगर उसके अंदर ना पता नहीं कहाँ से प्याज का छिलका गया जो सुराख के आगे चला जाता है और पानी रुक जाता है। तो अभी मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो मैं ना आवाम से यही कहूँगी कि अब खुदारा निकलें, कब तक किस तरह चलेगा कि ना घर के अंदर गैस होती है, ना बिजली होती है, ना पानी होता है, किस तरह से गुजरेगा। और यहाँ पे ना हमारे साथ फिर फ्रॉड हो गया कि टमाटर हमें कम दिए गए। हमने 1.5 किलो टमाटर कहा था, 1.5 किलो के पैसे लिए और मेरे ख्याल में किलो भी पूरे टमाटर नहीं है। तो बस ये जब तक ये चलता रहेगा ना कुछ भी सही होने वाला नहीं है। जब तक हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, हम लोग दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। जब आप सबके लिए बुरा सोचेंगे तो मुल्क के साथ भी बुरा ही होना है, क्योंकि घुन भी पीसता है। तो यहाँ पे जो से टमाटर मैं अच्छी तरह से धो लिए हैं और प्याज जो है चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और मैं भूल गई थी चावल ऐड करना दिखाना, क्लिप काफ़ी मेरे शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि मुझे भूल गया था, क्योंकि ऊपर कपड़े भी फैलाए हुए थे और यहाँ पे जो कपड़े हैं ना ये सूख चुके हैं और जगह जगह बिखर गए हैं, शायद हवा चली थी। तो कपड़े समेटते हैं और नीचे लेकर चलते हैं, क्योंकि खुर्रम ने कहा था कि मेरी निकर में उनका ट्राउज़र होता है ना उसको निकल कहते हैं, तो उसके अंदर नाला पुरवा देना, तो मैं वो लेने के लिए, तो मैंने कहा सारे कपड़े ही साथ ले चलती हूँ। और यहाँ पे जो उनसे है ना मटर पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत यम्मी लग रहा है, क्योंकि ये सरसों के तेल में पका है तो इसलिए ये येलो येलो लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर की रख तो दी है चटनी बनने के लिए, मगर वही इशू गैस नहीं है। मैंने इसके अंदर टमाटर, लहसुन नहीं, प्याज, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक ऐड कर दिया है। और इसको मैंने इकट्ठे इसलिए चढ़ा दिया क्योंकि मुझे फ्राई करने का टाइम ही नहीं मिलना, जितनी देर में फ्राई होगा उतनी देर में गैस चली जानी। और यहाँ पे मैंने साथ ऑयल भी डाल दिया और देखें गैस चली गई है, और मुझे लगता है मेरी टमाटर की चटनी आज वहीं की वहीं रह जाएगी, नहीं पकेगी। तो यही हुआ कि टमाटर की चटनी नहीं मेरी पकी है। और यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और साथ समीर जा रहा है। मोहम्मद हसनैन जो था ना उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, वैसे मैं बात भी भूल गई कि उसने बात मुझसे करी क्या थी। तो मैं थोड़ी सी खुद मेंटली डिस्टर्ब और सोचती जा रही थी कि अल्लाह इसने मुझसे क्या बात करी थी, और ये मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, अलहदा ही जा रहा था। इसकी अलहदा ही चाल होती है कि मैं नहीं जाना बाप के साथ। और यहाँ पर पराठे तैयार करने के लिए अम्मी की तरफ आ गई थी। मेरी ये ड्यूटी बड़ी सख्त हो चुकी है, मैं बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। यहाँ पर फिर गैस आती है हमारी तरफ तो आती ही नहीं है। तो खुर्रम का पराठा बना लिया है और यहाँ पे खुर्रम खूब तपे हुए हैं कि तुम क्या करने आ गई हो यहाँ पे, ये है वो। मैंने कहा नाश्ता ना देती, आपको भूखा रखती। तो मैंने बिना नाश्ता इनका टेबल के ऊपर रख दिया। मैंने कहा फिर यहाँ पे इसलिए चुप हो गया था कि मैं शुरू हो गई थी कि क्या आप शुरू हो गए हो, छोड़ दिया करो, सुबह सुबह टेंशन नहीं लेना। तो मैंने रख दिया आपका नाश्ता, बाप कुट कर लेना। और यहाँ पे ना खुर्रम गए हुए थे और मैं भी निकलने की तैयारी करती हूँ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।